तो देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी सिर्फ पेट्रोल कार बनाने की अपनी प्रणाली के साथ आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में मारुति सुजुकी अपनी प्रीमियम क्रॉसओवर कार एस क्रॉस के नए अवतार यानी पेट्रोल इंजन के साथ अपडेट करके 2021 में लॉन्च करने की तैयारी दोस्तों जैसा कि कर रही है। इससे पहले साल फरवरी में कंपनी ने अपनी नई BS6 प्रेजा को पेट्रोल वर्जन के साथ भारत में लॉन्च किया था। तो चलिए जानते हैं इस नई एस क्रॉस पेट्रोल 2021 वेरिएंट में क्या फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। आप सभी को बता दूं कि मारुति सुजुकी ने अपनी पॉपुलर कार एस क्रॉस के पेट्रोल मॉडल को फरवरी में हुए आयोजित ऑटो एक्सपो के दौरान हम सभी के लिए पेश किया था। कार प्रेमी को तब से ही इस कार का इंतजार हो रहा था। कंपनी अपनी नई एस क्रॉस 2021 को हम सभी के लिए 2021 जनवरी में फाइनली लॉन्च करने वाली है। अगर दोस्तों इंजन और पावर की बात करें तो मारुति एस क्रॉस 2021 को भारत में 3 विकल्पों में हम सभी के लिए लॉन्च किया जाएगा, जिसमें आप सभी के लिए डेल्टा तथा अल्फा और जेटा प्लेटफॉर्म किया गया है। आपको बता दें कि एस क्रॉस में आपको कंपनी की तरफ से नया 1.5 लीटर का BS6 पेट्रोल इंजन के साथ हाइब्रिड वेरिएंट ऑप्शन भी देखने को मार्केट में मिलने वाला है। ये इंजन आप सभी को 105 PSP की पावर तथा 138 NM का पिकअप टॉर्क जनरेट करके देता है। साथ ही साथ इसके साथ कार में आप सभी को दोस्तों 5 स्पीड मैनुअली तथा 4 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ट्रांसमिशन का विकल्प मिलने वाला है। स्मार्ट हाइब्रिड में मिलेगा ज़्यादा माइलेज। तो मारुति का स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में आपको बैक एनर्जी रजिस्ट्रेशन तथा रीजनरेशन और टॉक असिस्ट फंक्शन और इंजन आइडल स्पॉट स्टार्ट फीचर्स को कंपनी ने कार में शामिल किया है। ये ड्राइवर के अनुभव तथा एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है। साथ ही साथ टॉक असिस्ट एक्स्ट्रा पावर देकर एक्सीलेशन को बढ़ाता है, जबकि इंजन आइडल स्पॉट स्टार्ट फीचर से ये कार तेजी से दौड़ती है। ब्रेक एनर्जी रजिस्ट्रेशन काइनेटिक एनर्जी को बैटरी के थ्रू कन्वर्ट करता है, जो कि बैटरी को रिचार्ज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर फीचर्स की बात करें तो 2021 मारुति सुजुकी एस क्रॉस में आप सभी को LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स तथा LED DRLs और LED टेल लाइट्स और ऑटो हेडलैम्प्स लेवलिंग और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और रूफ रेल और रेन सेंसर वाइपर तथा ऑटो डीमिंग इनसाइड व्यू मिरर और लेदर सीट अप होल्ड सीट और डोर आर्म जैसे फीचर्स को कंपनी ने इस कार में मौजूद करवाया है। अगर कीमत और मुकाबले की बात करें तो मारुति की बिल्कुल ब्रांड न्यू कार एस क्रॉस 2021 मॉडल के अंदर आपको ज़्यादा पावरफुल इंजन ऑप्शन के साथ साथ नए फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। पहले वाले मॉडल के मुकाबले इस कार की कीमत 5.30 लाख रुपीस एक्सशोरूम प्राइस रखी जाएगी, जबकि पेट्रोल वेरिएंट की कीमत करीबन 8.81 लाख रुपीस तक जाने की संभावना बताई जा रही है। लॉन्चिंग होने के बाद एस क्रॉस 2021 का मुकाबला भारत में होंडा क्रेटा 2020 और किया सोनेट 2021 निसान किक फेसलिफ्ट तथा रेनॉल्ट डस्टर से होने वाला है। लॉन्चिंग की बात करें तो भारतीय बाजार में मारुति सुजुकी अपने सबसे पॉपुलर कार एस क्रॉस के नए वेरिएंट 2021 को हम सभी के लिए जनवरी में फाइनली लॉन्च कर सकती है। तो दोस्तों अगर आप इस कार को काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे तो आपका समय अब होने वाला है ख़त्म। इस कार की प्री बुकिंग भी हम सभी के लिए नेक्स्ट मंथ से ऑफिशियल मारुति सुजुकी की वेबसाइट पर स्टार्ट कर दी जाएगी, यानी आप घर बैठे इस कार को अपने लिए बुक कर पाएंगे। अगर इस कार को आप अपने लिए बुक करना चाहते हैं अपने कमेंट बॉक्स में जाइएगा तथा अपना नाम और सिटी का नाम लिख के हमें जल्दी से एक कमेंट करिएगा। तो जापान की कार निर्माता कंपनी SAIC ने MG मोटर के साथ भारत में अपनी नई कार को लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है। साल 2021 में कंपनी अपनी नई कार MG3 को लॉन्च करेगी, जो कि एक प्रीमियम हैचबैक कार होने वाली है। और इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने गुजरात में जनरल मोटर के हॉल को आप सभी के लिए खरीद लिया है। भारत में MG3 का सीधा मुकाबला मारुति की सबसे पॉपुलर कार
ऑल्टो फेसलिफ्ट तथा रेनॉल्ट स्विफ्ट नीट्रो एडिशन डेटसन गो फेसलिफ्ट तथा रेनॉल्ट टेस्टर से होने वाला है। भारत में छोटी कारों का बाजार काफ़ी तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। यहाँ पर लगभग हर कार कंपनियाँ अपनी कारों को लॉन्च करना चाहती है। यहाँ मुकाबला काफ़ी कड़ा भी है। ऐसे में जो कंपनी कुछ नया और बेहतर करती है वहीं सबसे आगे खड़ी भारत में नजर आती है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि नई MG3 में क्या कुछ नया मिलेगा, क्योंकि जो भी जानकारी इस कार के बारे में हम आपको देने वाले हैं वो जरूरन आप सभी के काफ़ी काम आने वाली है। तो चलिए जानते हैं इस कार के कुछ फीचर्स तथा भारत में लॉन्च होने के बाद कीमत के बारे में। आप सभी को बता दूं मैं कि MG मोटर्स ने अपनी MG3 कार की बिक्री दुनिया भर के बाजारों में पहले से ही स्टार्ट कर रखी है, यानी इस कार को बाहर के देशों में काफ़ी पसंद भी दोस्तों जैसा कि किया जाता है। अब इस कार को हाल ही में भारत में लॉन्च होने का पैमाना दिया गया है, यानी ये कार आप सभी के लिए मार्केट में 2021 जनवरी तथा फरवरी के माह में लॉन्च की जा सकती है। अगर बात करें इस कार के इंजन तथा पावर के बारे में तो MG मोटर्स की बिल्कुल ब्रांड न्यू कार MG3 के अंदर आपको कंपनी की तरफ से लेटेस्ट 1.5 लीटर का VTI पेट्रोल इंजन ऑप्शन भारत में देखने को मिलने वाला है। ये इंजन आप सभी के लिए 86 kWh की करीबन 110 PSP की पावर और 140 Nm का पिकअप टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखेगा। MG3 को भारत में दो विकल्पों में लॉन्च भी किया जाना है। अगर रफ्तार की बात करें तो MG मोटर्स की MG3 का जबरदस्त पिकअप आपको भारत में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये कार 10.4 सेकंड में 0 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ पाने में क्षमता रखती है। ट्रांसमिशन की बात करी जाए तो इस कार में आप सभी को 5 स्पीड मैन्युअली ट्रांसमिशन का विकल्प भारत में देखने को मिलेगा तथा इस कार के अंदर भारत में आपको 4 स्पीड ऑटोमेटिक, जिसे हम EMT के नाम से जानते हैं, वो विकल्प भी देखने को मिलने वाला है। अगर फीचर्स की बात करें तो MG मोटर्स की अन्य गाड़ियों की तरह ही MG3 के अंदर भी आपको इनबिल्ट इंटरनेट सुविधा मिलने वाली है। इसमें आप सभी को 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑप्शन मुहैया करवाया गया है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉयड ऑटो तथा एप्पल कारप्ले और नेविगेशन को सपोर्ट करता है। इसके साथ ही इस कार में आपको LED टेल लैंप्स और लेदर सीट व्हील कवर और इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ जैसे ऑप्शन को कंपनी ने शामिल किया है। सुरक्षा फीचर्स की बात करें तो भारतीय ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए इसमें काफ़ी अच्छे सुरक्षा प्रणालियों का कंपनी ने इस्तेमाल किया है, यानी इस कार में आपको ABS के साथ EBD और EPC जैसे तमाम फीचर्स और डुअल सेफ्टी बैग और रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग जैसी सुविधाओं को शामिल किया गया है। कीमत और लॉन्चिंग की बात करी जाए तो भारतीय बाजार में इस कार की कीमत को लेकर खुलासा हो चुका है। भारत में MG मोटर्स अपनी छोटी हैचबैक कार MG3 की स्टार्टिंग कीमत केवल 3.20 लाख रुपीस एक्शरूम प्राइस रखने वाली है, जो कि भारतीय ग्राहकों के लिए काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस आप सभी के लिए होने वाला है। अगर टॉप वेरिएंट को बाय करते हो तो उसकी कीमत 4.70 लाख रुपीस तक जाने की संभावनाएं लगाई जा रही है। भारत में अपनी MG मोटर्स सबसे पॉपुलर और छोटी हैचबैक कार MG3 को हम सभी के लिए 2021 जनवरी में फाइनली लॉन्च कर सकती है और इस कार की प्री बुकिंग भी हम सभी के लिए MG मोटर्स इंडिया पे जल्द से जल्द स्टार्ट कर दी जाएगी, यानी इस कार को भी आप अपने लिए खरीद सकते हैं। अगर आप इस कार को अपने घर बैठे बुक करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाइए दोस्तों, अपना नाम तथा सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी दो जबरदस्त कारें जो कि जल्द भारत में आप सभी के लिए लेने वाली है दस्तक। अगर आप इन दोनों कारों में से कोई भी कार अपने लिए खरीदने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो काफ़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।